आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कुछ और एग्री मार्केट की जहां पर आपको मुनाफा मिल सकता है इंट्राडे में। बात कर लेते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन के ऊपर रविंद्र राव, आपका कमेंट क्या होगा? बिल्कुल ताज़ा भाव पर किस तरह का कारोबार करना बेहतर रहेगा सोयाबीन में? जी, सोयाबीन में मेरे हिसाब से एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और मुझे लगता है कि जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो 2960 तक आ सकता है। तो अगर 3020 तक अगर प्राइस आते हैं तो एक बार शॉर्ट कर सकता है। स्टॉप लॉस 3035 का होना चाहिए और टारगेट हम 2960 का ले सकते हैं। ओके, और मस्टर्ड पर क्या कॉल है आपकी रविंद्र? मस्टर्ड भी मुझे लगता है कि यहाँ से एक 40-50 रुपया नीचे आ सकता है। तो अगर यहाँ से एक राइस मिलता है 10-20 रुपीज़ का तो एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। ओके, जीरे के ऊपर कुणाल शाह, क्या कमेंट होगा आपका? जीरे में आज किस तरह का कारोबार करना बेहतर रहेगा? जीरे में लग रहा है यहाँ से अच्छी तेजी आ सकती है, मौजूदा स्तरों से बाइंग कर सकते हैं 17,500-17,600 के टारगेट्स के लिए। ओके, 17,500-17,600 के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीपीओ के ऊपर क्या व्यू है आपका कुणाल? सीपीओ में क्या करना चाहिए? सीपीओ में बिकवाली कर सकते हैं मौजूदा स्तरों से भी, और 555 के नीचे और एग्रेसिवली कर सकते हैं 540-535 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब गोल्ड और सिल्वर की। और गोल्ड और सिल्वर का मार्केट दबाव में है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। रविंद्र, क्या कमेंट होगा आपका सोने चांदी में? बिल्कुल करेंट मार्केट प्राइस के आसपास क्या आपको लगता है कि बेचकर चलना बेहतर रहेगा? जी नहीं, मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। गोल्ड में अगर हम देखें तो जो एक दिन पहले का जो सेशन था जहां पे हमने एक फॉल आते हुए देखा था, उसके बाद एक काफ़ी शार्प रिकवरी आई है। तो मेरे हिसाब से जो यूएस में जो अनसर्टेनिटीज़ है तो उसके चलते गोल्ड को एक सपोर्ट मिला है, प्लस यूएस के डेटाज भी थोड़े से मिक्स थे तो उस वजह से गोल्ड को एक सपोर्ट मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट डिमांड देखे तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में एक 29,500 तक के आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं 29,300 के डिप पे बाइंग रिकमेंड करूँगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 29,200 फॉर अ टारगेट ऑफ 29,500। और चांदी की बात करें तो चांदी में अराउंड 42,800 तक एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। हाँ। सोने चांदी के ऊपर क्या आपको लगता है कि आज मार्केट में जो गिरावट आई है, इस गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है उसमें बाइंग करनी चाहिए, और ओवरऑल आउटलुक गोल्ड और सिल्वर दोनों का पॉजिटिव लग रहा है। सो कोई भी डिप आती है उस पर बाइंग कीजिए, 42,800 के आसपास बाइंग करके ऊपर में 43,150 में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड आप कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर जो गोल्ड सिल्वर का है वो आज दबाव में है। आगे बढ़ते हैं, बात अब कच्चे तेल की। और क्रूड का मार्केट भी दबाव में है, 3581 के लेवल पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है MCX पर कच्चा तेल। क्रूड को लेकर के क्या कमेंट होगा आपका रविंद्र? क्योंकि क्रूड को लेकर खबरें ये आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से कि ओपेक और नॉन ओपेक आगे भी उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रख सकता है, और हो सकता है कि उत्पादन में कटौती की जो मात्रा है उसको बढ़ा भी दे। ऐसे में क्या चाल आप देख रहे हैं क्रूड की? मृत्युंजय, अगर क्रूड की चाल देखें तो क्रूड में दोनों साइड से इम्पैक्ट आ रहा है। ओपेक जैसे ही ये $52 के करीब आता है तो ओपेक कट के वजह से हम इसमें एक बाइंग देख रहे हैं, और जैसे ही ये 55-56 के करीब जाता है WTI क्रूड ऑयल, हम US ड्रिलिंग जो कंटिन्यूसली चल रही है, US रिग काउंट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उस US सप्लाई की वजह से एक प्रेशर आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से क्रूड में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा क्योंकि $50 ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इनिशियल सपोर्ट $52 का है WTI क्रूड ऑयल का, तो मेरे हिसाब से जब भी 52 के करीब आता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अब सपोर्ट के करीब ही है तो मेरे हिसाब से एक बार बाइंग करना चाहिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि 3660 तक आ सकता है मार्च कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही ये अराउंड $55-56 तक आता है तो इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्योंकि फिर US सप्लाईज की वजह से एक प्रेशर बिल्डअप होता है। तो मेरे हिसाब से अभी ये फिलहाल एक रेंज में है, अगर 55-56 निकल जाता है तो फिर इसमें एक और एक अच्छा डायरेक्शनल मूव आ सकता है।